ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਲਮਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧਿਆਪਨ ਔਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪਰਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਨੀਲਮਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜੀ बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अज असीं तुहाडी जिंदगी बारे तुहाडे नाटकां बारे तुहाडे नाल गल्लां करांगे। किवें तुसीं पंजाबी नाटक नूं एक वखरी दिख दित्ती एक नवां रूप दित्ता ते तुसीं सब तो पहलां साडे दर्शकां दे नाल अपने बचपन दे अपनी जिंदगी दे जिहड़े पल ने वो सांझे करो। मैं अमृतसर विच मेरी पैदाइश हुई। मेरे फादर डॉक्टर सी, मेरी मदर एक हाउसवाइफ सी और स्कूल भी मैं अमृतसर तो कीता। उस वक्त जो मिडल क्लास फैमिलीज विच पैदा होए तुसी कला नू एक हॉबी ते लेवल तक ते कर सकते सी पर प्रोफेशनल लेवल तक तुसी अगे नहीं बढ़ सकते सी। वैसे कोई जब उस माहौल में तुसी वड्डे होंदे हो इस करके कोई तुहाडे अगे पिछे कोई इस तरह का एग्जाम्पल नहीं होंदा जिथे तुहानू लगे कि तुसी ड्रामे विच काम कर सकते हो या एक प्रोफेशनल लेवल ते तुसी एजुकेशन ले सकते हो। पंजाब दे विच तां ड्रामे नू थिएटर नू अपना प्रोफेशन बनाउणा वैसे भी हथ कख नहीं लगता सी उहनां दिनां विच। मतलब वो सोच भी किथे अगे पिछे तुहानू दिखाई नहीं दित्ती। हाँ जी। सो इस करके मैं कहती हाँ कि बहुत सारी जो चीज़ा मेरी जिंदगी में हुई वो बड़िया एक्सीडेंटल सी, वो कोई प्लान नहीं सी। ऐ नहीं कि मैं कोई बहुत मैप बनाया होया सी कि मैं ऐ करांगी ओ करांगी, इस तरह कुछ नहीं सी। मैं चंडीगढ़ पढ़न आई और उस वक्त गार्गी साहब नाल मुलाकात हुई, बलवंत गार्गी नाल। वो सिएटल तो आई सी, ड्रामा डिपार्टमेंट उस वक्त उदी स्थापना नहीं हुई सी पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो उन्होंने एक नाटक किया, उन्होंने कुछ किया कि कोई भी कलाकार जो नाटक विच काम करना चाहते हैं वो आ जान। मतलब इस तरह कोई रुचि नहीं सी नाटक के प्रति पर जिंदगी इन्नी बोरीयत चाहिए सी कि क्लास विच गए दो घंटे की क्लास होंदी सी, क्लास खत्म हुई फिर तुसी की करो। उस वक्त ना टेलीविजन सी ना कंप्यूटर सी। सो लगिया कि चलो ए ट्राई कर लो। वैसे तो एक खिंचते सी कला के प्रति जिस तरह सारे लोग जो साइंस स्टूडेंट्स नहीं होंगे थोड़ी जी कविता लिखते हैं, कुछ कहानियाँ लिखते हैं, थोड़ी जी पेंटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह मेरी भी रुचि सी पर कोई इन्नी बर्निंग पैशन के बारे में गल करा उस तरह कुछ नहीं सी। सो गार्गी साहब नाल एक तो नाटक किते, उस दौरान इब्राहिम अलकाजी नाल मुलाकात हुई क्योंकि वो अपने दो प्लेज दिल्ली तो चंडीगढ़ टैगोर थिएटर विच उन्हां दा मंचन हो रहा सी। सो उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स विच गए और क्या कि कोई बैक स्टेज मदद करना चाहता है तुसी वॉलंटियर बन के आओ। सो मैं अपना हाथ उत्ते खड़ा कर दिता। उत्थे गई मैनू लग्या कि माई गॉड इन्नी ज़्यादा एक रिलैक्सेशन तुसी देखिया बिटवीन द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, एक गलबात जो तुसी अपने माहौल विच कदी नहीं सुनिया सी। तो मैं और फिर अलकाजी साहब नाल एक लैक्चर सुनने का मौका मिलिया इंग्लिश ऑडिटोरीयम विच जिस तरह वह बोल रहे सी जिस तरह वह एक एक लफ्ज़ जोड़े प्रयोग कर रहे सी वो जो लफ्ज़ मैं कभी सुने नहीं सी इन्ने ओपनली एक्सप्रैस किते हुए तो मोर दैन थिएटर मैनू लग्या कि मैं इस माहौल विच या इस एटमोसफेयर विच रहना चाहती हाँ। सो फिर मैं नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया जी। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਐਮਏ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੀ। ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਕਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जो थिएटर उस वक्त सिखाया जाता सी वो भी प्रोसीनियम थिएटर विच सी, उदा भी एक फ्रेमवर्क सी, इस करके संबंध तो बहुत गहरा सी। और मैनू लगता है कि आर्ट हिस्टरी दा एक बैकग्राउंड मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि उदा संबंध काफ़ी सीधा ते डायरैक्ट हुंदा है थिएटर नाल। मैम उन्होंने दिनों के एन एस टी जाना पंजाबी लड़कियों लिए बहुत वड्डी गल सी, बहुत घट लोग जाते सी, उत्थों दा की माहौल सी, कौन कौन लोग तुहाडे नाल सी? मेरे नाल जो भी लोग सी एक हाँ राज बब्बर वो मेरा क्लास फेलो सी, मेरे सीनियर लोग सी ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, रोहिणी हत्तंगड़ी। मैं उन्हों दा नाम ले रही हाँ क्योंकि उन्होंने फिल्मां विच बहुत अच्छा काम किया। मेरे जूनियर सी अनुपम खेर, एक साल मेरे को जूनियर सी नाल रहे जा, उन्होंने तुसी कुछ सीखा, उन्होंने देखा, उन्होंने नाल अनुभव किया कला दे संबंध मतलब एक मतलब की पता हुंदा है कौन स्टार बन जाएगा, कौन तुसी भी खुद स्टार हो नहीं अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे तुसी पंजाबी नाटक दे थिएटर दे पर्सनैलिटी हो। और तुहाडा जिहड़ा थिएटर है वो एक इंटलैक्चुअल एक यूनीक और एक अलग तरह का जिहड़ा हैगा वो प्रभाव है सारे पंजाब ते सारे वर्ल्ड दे उत्ते, ते जदों कि साडे जिहड़ा आम थिएटर है पंजाबी नाटक है वो पंजाब दे लोकां नाल जुड़िया होया है, पंजाबी कल्चर नाल, पंजाबी जड़ां नाल ज़्यादा। तुसीं अपने थिएटर जां अपने नाटकां बारे की कहना चाहुंदे हो? मैं कहना चाहती हाँ कि जो भी तुसीं काम करदे हो वो तुहाडी फितरत नाल जुड़िया होया है, तुसी तुहाडी वर्ल्ड व्यू, तुहाडा तजर्बा, तुहाडा अनुभव, तुहाडा रंगां नूं देखण दा दृश्य, तुहाडा टेक्स्ट नाल रिश्ता, तुहाडे स्पेस नाल रिश्ता, ते जरूरी नहीं कि जो उदाहरण एग्जिस्ट करदी है तुसी उहदे विच डुबकी लगा के उहिओ काम अगे पेश करो। सो मेरा एक तरह का काम कित्थे ना कित्थे चंडीगढ़ नाल जुड़िया होया है। किस तरह? क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ रहन आई तद इत्थे जो भी थिएटर हुंदा सी, गुरशरण सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे सी, उन्हां दा ज़्यादातर स्ट्रीट थिएटर, एजिट प्रॉप थिएटर जो असीं कहंदे आ उस तरह दा सी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर ज़्यादा रियलिज्म रियलिस्टिक थिएटर करदे सी। सो मैं जो भी कीता वो मेरी कल्पना तो आया, उदे कोई टेम्पलेट्स एग्जिस्ट नहीं करते सी कि मैं कुछ देखा होए तो उन्नू उदी नकल कीती या उन्नू इमिटेट कीती। मैं कहती हाँ मेरे वास्ते एक तो अलकाजी साहब की मैं स्टूडेंट हाँ, 3 साल मैं उन्होंने को सीखा अबाउट डिटेलिंग, रियलिज्म, एंट्री एग्जिट, साइकोलॉजिकल तुसी की बनाते हो डायनामिक्स अपने स्टेज उत्ते। फिर मेरी बहुत खुशकिस्मती सी कि मैं 4 साल बीवी कारंथ नाल काम कीता, वो भी मेरे वास्ते काफ़ी लाइफ ऑल्टरिंग सी। मैंने लगता है कि 2 मास्टर्स जो इंडियन थिएटर दे सी, अलकाजी साहब जो बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड रेनेसांस किस्म के आदमी, ते बीवी कारंथ जो फोक लोकल वर्नैक्यूलर किस्म के इंसान, उन्होंने दोनों का प्रभाव कितने ना कितने मेरे अंदर इंटरनलाइज हो गया। जब मेरे हस्बैंड की बदली हुई चंडीगढ़ तो मैं काफी दुखी सी, क्योंकि मैंने भोपाल रहना बहुत ही अच्छा लगता। अच्छा, उस बार भोपाल चले गए? नहीं, शादी हुई बॉम्बे में सी, फिर भोपाल बदली हुई। सो चार पांच चंडीगढ़ आने तो पहले भोपाल सी असी। सो वो मेरे वास्ते बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड सी मेरी जिंदगी दा। सो जद मैं चंडीगढ़ आना सी, सो मैनू कारण जी ने कहा कि जो भी तू काम करेंगी उस प्रांती जुबान विच करी। जी। दूसरी गल उन्होंने कहा कि तू लोकल लोगों नाल काम करे। जी। ए ना सोची कि मैं एक्टर्स एनएसटी तो इनवाइट करा तो उन्होंने नाल काम करा। दूसरा बिल्कुल रीजनल होना चाहिए, लोकल वर्नैक्यूलर रीजनल। उन्होंने जिस तरह मैनू ए तीन शब्द दिते। फिर जब मैं वापस आई, क्योंकि भोपाल विच असी जो भी काम करते सी असी कितने ना कितने एक तरीका लभ रहे सी काम करन दा, क्योंकि यह नहीं कि तुसी टैक्स नू लवो तो उन्नू एक्टर्स नू लाइना दियो ते वो लाइना बोलन। फोटोग्राफिक मतलब थिएटर ने कीता, जो रिप्रेजेंटेटिव थिएटर नहीं, फोटोग्राफिक थिएटर नहीं, इलस्ट्रेटिव थिएटर कि इलस्ट्रेट करना टेक्स्ट नू, एक भाषा लभनी जो थिएटर नू बिलोंग करती है। और वो भाषा लभनी वो एक कलाकार की अपनी इंडिविजुअल यात्रा होती है। वो ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਕਤ है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਰੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ट्रेनिंग प्रोसेस बने एक्टर्स वास्ते, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग प्रोसेसेस स्कूल्स या ड्रामा डिपार्टमेंट्स विच या एनएसटी विच सी, वो ज्यादातर वेस्टर्न तरीके सी, स्टेनिस्लावस्की, मेयर होल्ड। फिर मैं लोक कलाकारां नाल काम करना शुरू कर दिता। नकाला नाल काम किया, टाडिया नाल किया, जंगम्स नाल काम किया, सो गतका इस्तेमाल किया, क्योंकि कितने ना कितने वो मेरी भी जर्नी सी। बिल्कुल, क्योंकि बड़े साल मैं अपने स्टेट तो बाहर रही। हाँ जी। सो मेरे वास्ते खुद समझना मैं कितों आई हाँ, मेरी जड़ा की है, वो मेरे वास्ते भी जर्नी सी मेरे काम के जरिए। जी। एनएसटी तो बाद जिन्ने भी कलाकार ने जहाँ ट्रेनिंग लेंदे है लोग, वो ज़्यादा बॉम्बे वाल नूं, फिल्म इंडस्ट्री वाल नूं रुख करते हैं। जो कि तुसीं दस्या, जिहड़े नाम तुसीं लए, राज बब्बर, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और ये सारे लोग सी जिहड़े उन्होंने बॉम्बे जाके बड़ा बड़ा नाम बनाया, तो तुसी क्यों नहीं सोचिया फिल्मों च जाने वास्ते? मैं तो शादी तो बाद बॉम्बे रही। अच्छा जी। 3-4 साल बॉम्बे रही। जी। फिर उस तो बाद भोपाल आई। जी। उस वक्त फिल्मां जिस तरह श्याम बेनेगल, गोविंद नहलानी, काफ़ी न्यू एज फिल्म मेकर्स आ रहे सी, पर मैनू कोई, क्योंकि मैं एक्टर नहीं हाँ। मैं वैसे तो ट्रेनिंग मेरी एनएसटी विच एक्टिंग विच होई, पर मैं एक्टिंग कदी नहीं कीती। तुसी डायरेक्शन च भी जा सकदे सी, पर फिल्मां बारे नहीं सोचया तुसी? मैं फिल्मां बारे सोचया नहीं, सोचे नहीं। हुन मैं एक फिल्म बनाई सी 2 साल पहले जी, दीपा मेहता नाल। अच्छा। तो वो भी एक एक्सीडेंट ही सी। नाम की फिल्म दा? एनाटमी ऑफ वायलेंस। अच्छा। मेरे कारी शूटिंग हुई सारी जी, मेरी कलाकारा नाल हुई जी। पर मैनू लगता है कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, तुसी फिल्मां क्यों नहीं कीतियां? हाँ जी। पर तुसी कभी पेंटर नूं नहीं कहोगे कि तुसी थिएटर क्यों नहीं कीता। हाँ जी। ये बिल्कुल अलग कला है, क्योंकि फिल्मां विच इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, यू नो, यू हैव टू नो अबाउट एडिटिंग, कैमरा वर्क। हुन शायद हुन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन है ना ओवर क्राउडेड हो गया है। एक फिल्म बनाने तो बाद दीपा मेहता नाल हुन मैनू लगता है कि इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू मेक अ फिल्म, पर उदी फंडिंग ये वो अटरम पटरम मेरे कोल नहीं हुंदा। नहीं हुंदा बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े कारज ने। हाँ, वो कौन पिछे लगे इस उम्र विच। और नीलममान सिंह चौधरी होरां नूं पंजाब दे विच नहीं वर्ल्ड लेवल ते जाणिया जांदा है कि वो हाई प्रोफाइल थिएटर डायरैक्टर ने, थिएटर ग्रुप चलाउंदे ने। तो जदों के तुसीं पंजाब दे पिंडां च जां कस्बियां च जाण बारे जां छोटे शहरां च जाण बारे क्यों नहीं सोचिया, जदों कि एक मिशन लैके बंदा चलदा? तुहाडा की मिशन सी थिएटर नूं, मतलब तुसीं क्यों किवें किस तरह लैंदे हो तुसीं? कोई मिशन नहीं है, नहीं मैं कुछ कहना चाहती हाँ। जी। पिंडां विच क्यों नहीं करदी, छोटे शहरां विच क्यों नहीं करदी? मतलब एक तो मैं देखिया कि पंजाब मैनूं काफ़ी इग्नोर करता है। मैनू बुलांदा ही नहीं। अमृतसर बड़े होंदे है फेस्टिवल्स, जलंधर होंदे है, मैनू कोई बुलांदा ही नहीं शायद उन्हां नूं। और इस तरह कोई डर है उन्हां दे दिमाग दे, पता नहीं डर है जो भी है उहदे विच मैं एनालाइज नहीं करना चाहती। पर मैनू छोटे छोटे कस्बे विच केरला विच बुलाया जाता है, मतलब करनाटिका विच मैं धारवी विच कीता है ते हेगडू विच कीता है ते सागर विच कीता है, मतलब छोटे छोटे जगह मैसूर विच भी कीता है, बैंगलोर विच भी कीता है, बट उन्हां दे छोटे छोटे शहरां विच कीता है। तुसीं ये नहीं समझदे वी केरला विच कीता है जिहड़े मैनूं नाम भी नहीं पता। नीलममन सिंह चौधरी जिहड़ा आवाम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 32 ਇਅਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਟਰਸ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੰਮ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, डायरैक्शन करते हो, बहुत सारे नाटक किए ने, इंटरनेशनल परसनैलिटी राइटर ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਐਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਲੰਡਨ ਗਈ ਹਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਜੀ, ਸੈਡਲਰ ਵੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੀ, ICCR ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर इफ आई कैन बी ऑनेस्ट क्लब विच होया, उन्होंने स्टेज बनाया तखत पोस्ट जोड़ के जी, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं, बच्चे भी नठ रहे हैं, मतलब उस माहौल विच मैं नहीं काम करती। अगर मैं 4-4 महीने लगाती है एक काम करन नू, उस तो पहले एक्टरां नू बुलाउण तो पहले 8-9 महीने खुद काम करती हाँ, स्क्रिप्ट लभन नू, उदा अनुवाद करन नू, उदा कुछ कंसैप्चुअल नोट बनाने वास्ते। मैं नहीं चाहती कि मैं उत्थे करा जिथे उन्होंने ज़्यादातर आदत है कि कोई स्ट्रीट थिएटर हो या नाच गाना हो या माइक्स नाल प्ले किया जाए। इस तरह के माहौल विच मैं खुद नहीं काम करना चाहती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਲਿਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 100% ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਟ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅਗਰ जब मैं रॉक गार्डन्स विच करती हाँ, अगर शो 7 बजे है तो कोई 2 मिनट लेट भी आए मैं नहीं अंदर जान देती जी। मैं एक अनुशासन नाल काम करती हाँ और पूरा परिया होया हुंदा है, और लोगों को पता लग गया कि अगर मैं जब शो करती हाँ तो वो पहली 5:30 बजे 7 बजे के शो वास्ते लाइन लग जाती है। इसका मतलब जो लोग आते हैं उन्होंने कोई अच्छा लगता होएगा। हुण मैं सब नूं ऐसे नहीं पूछा कि भी मेरा की गैप है रेस्ट ऑफ द पंजाबीज नाल, यू नो। मैं अमृतसर भी शो किए, उत्थे भी ठीक है जी, अच्छे दर्शक मिले है। कि पंजाब दे विच प्रोफेशनल कमर्शियल थिएटर दा कोई मतलब संभावना बन सकदी है कि टिकट दे उत्ते मतलब थिएटर कीता जावे? टिकट उत्ते मेरे ख्याल में कर ते रहे हैगे है। अच्छा जी, जलंधर विच और अमृतसर विच हो रहा होएगा जी, पर संभावना तो हैगी है, क्योंकि एक पॉपुलेशन है जो जानती है थिएटर देखना। हाँ जी, सिनेमा भी देखती है तो थिएटर भी देखती है। हाँ जी, क्योंकि थिएटर में जो लाइव एक एक्टर मिलता है वो तजर्बा तो तुसी टेलीविजन या सिनेमा विच नहीं मिल सकता। सो आई थिंक थिएटर बहुत प्रोफेशनल थिएटर किया जा सकता है या कामयाब हो सकता है। आई थिंक जो कर रही है वो मतलब मैं तो थिएटर में ज़्यादा कमाया नहीं, कुछ भी नहीं कमाया। मैं तो ज़्यादातर कमाया है क्योंकि मेरी नौकरी लगी, सिर्फ नाम कमाया क्योंकि मैं विश्वास करती है कि एक्टर्स नू पेमेंट अच्छी देनी चाहिए। सो मेरे जो भी शो का एक आंदा है प्रोफेशनल फी वो ज़्यादातर एक्टरां विच ही बन जाता है। म्यूजिशियंस बड़े एक्सपेंसिव अंग हैगा मेरे काम का। सो अगर तुसी 8-9 म्यूजिशियंस होन स्टेज उत्ते लाइव वो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। पिछले दौर दे विच पंजाब दे विच जे सोचा जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री ने काफ़ी राइज किया, उस तो बाद फिल्म इंडस्ट्री भी मतलब अपने पैरों पर हुई है। तुसी की समझते हो भी इस दौर दे विच जिहड़ा थिएटर है पिछले 10-15 साल तो कोई बहुता वधिया माहौल नहीं रहा, एनवायरमेंट थिएटर लिए पंजाबी नाटक लिए वधिया नहीं सी, ते कि आने वाले इस युग दे विच जदों कि फिल्मां ने मीडिया म्यूजिक इंडस्ट्री ने डोमीनेट किया हुआ सब किसी नूं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने, कि थिएटर दा इहदे विच की फ्यूचर देखदे तुसीं? देखो जिस तरह पिछले साल जो मैं नवा प्ले कीता है जी, मैनू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा सी कि यंग लोगों नाल काम करो क्योंकि मेरा अपना ग्रुप है जो बड़े सालों तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਟਕ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਕਲਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਕੰਪਨੀ। ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਐਕਟਰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ ਔਰ ਥੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ, ਗੋਆ ਸੈਰੈਂਡਿਪਿਟੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ NST ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੜਾ ਓਲੰਪੀਆਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਐਕਟਰਸ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਇਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸकेंगे, 3 रिहर्सलां क्योंकि पुराना प्ले है, साढ़े 1 दिन की शूटिंग है, साढ़े अद्धे दिन की शूटिंग है, सुबह कर लो रिहर्सल। सो मतलब भावें पुराने कलाकार हो नवे कलाकार हो, एक बारी किसी ने उन्हों का काम देखा होए तुसी अपना खून पसीना बहा के उन्होंने ट्रेन किया और मतलब एवजी ट्रेनिंग जो दिती है वो शायद 3 साल ट्रेनिंग। तो मूल मंत्र है जिमें तुसी कहने भी आर्ट इज हार्ड, हार्ड वर्क है, इट इज वेरी डेडिकेटेड समर्पित। और आई नो कि मैं टीचर, आई एम मे बी अ बेटर टीचर देन अ डायरेक्टर। जदों तुसी डायरेक्शन दिंदे हो तुहाडे विच इक टीचर हुंदा जां प्योर डायरेक्टर हुंदा? मेरे ख्याल में टीचर ज्यादा और डायरेक्टर भी, डायरेक्ट दोनों का ही मिश्रण हुंदा है। पर हुण सारे तुसी कह रहे हो ना, हुण मैनूं ते समझ नहीं आ रही, कोई कह रहा मैं इस दिन नहीं आ सकता, उस दिन नहीं आ सकता। So I'm feeling quite ज़्यादा आजकल कलाकार ने जेडे थिएटर दे प्रोफेशनल हो गए ने, उन्हां दी गलती भी नहीं। हाँ जी, गलती नहीं क्योंकि तुसी एक दिन दी फिल्म शूटिंग विच तुहानू पता नहीं कितना पैसा मिल सकता है, 5,000 7,000 6,000 3,000 शायद थिएटर विच तुसी एक दिन दी रिहर्सल विच ना नहीं दे सकते। हाँ जी, थिएटर विच पैसा बहुत घट है, पैसा बिल्कुल जीरो। और जिहड़ा तुहाडा फ्यूचर है मेरा ख्याल वो भी सिक्योर नहीं है। नो नॉट एट ऑल। सब तो पहला कलाकार बनन नू मतलब अपनी मेहनत दा मतलब तुसी जिस तरह असी हुणे गोवा गए। हाँ जी, सो वी ऑल फ्लू टू गोवा जी। एट द एयरपोर्ट मेरा जो एक एक्टर है जो पंजाबी फिल्मां विच काम करदा है, सब उहदे पिछे। हाँ जी, और ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਫੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ 35 ਇਅਰਸ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।